राहुल जी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं ना, बदलाव आना चाहिए और वो राहुल जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। अगर पप्पू बोलते हैं तो मैं सिर्फ मोदी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, बिलियंस एंड ट्रिलियंस उन्होंने खर्च किए हैं राहुल जी को सिर्फ पप्पू घोषित करने के लिए, तो उनसे इतना डरते क्यों हैं? टेलीप्रॉम्प्टर, मैं भी मोदी जी की तरह गड़बड़ा गई हूँ, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोले तो फिर धरातल में आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी। शेर कहा जाता है, कागज के भी शेर होते हैं। मोदी जी जब जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। जिस तरीके से महिला कांग्रेस का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, फ्लाइंग किसको लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। मैम, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से राहुल पर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, फ्लाइंग किस तो उन्होंने, स्मृति जी ने एक मुद्दा बना दिया है। राहुल जी ने तो और भी बातें करी थी सदन में, उनके बारे में तो स्मृति जी ने कुछ नहीं कहा। और फ्लाइंग किस, राहुल जी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं ना, तो उसमें वो फ्लाइंग किस सिर्फ अगर दी भी है तो स्मृति ईरानी को नहीं दी है, पूरे सदन को, पूरे भारत को दी है। लेकिन उनकी फ्लाइंग किस फिर भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन स्मृति जी की जो सीटियां हैं वो तो सबको दिखाई दे रही है। अश्लीलता फैला रहे हैं राहुल गांधी। अश्लीलता वो कैसे फैला रहे हैं? अश्लीलता सीटियां बजाते हुए तो संसद में उनको देखा है, स्मृति जी को। उन्होंने मणिपुर में अगर बात करी है तो ये अश्लीलता फैला रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं राहुल जी, तो क्या ये अश्लीलता फैलाना है? अगर ये अश्लीलता फैलाना है तो हम स्मृति जी के दिमाग का कुछ नहीं कर सकते। तो हमें इस तरीके से अगर काम करना है, मणिपुर के बारे में वो एक शब्द नहीं बोली। कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं कि वो मोहब्बत बांट रहे हैं। कुछ कांग्रेसी क्या, पूरा भारतवर्ष कह रहा है कि राहुल जी पूरे भारत को मोहब्बत बांटते हुए चल रही हैं। जिस तरीके से अभी नफरत के बाजार, नफरत का राजनीति हो रही है, जिस तरीके से पूरा भारत जल रहा है, उसमें मेरे ख्याल से मोहब्बत बांटना ही ज्यादा उचित है। क्या मैम, मोहब्बत बांट रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बांट रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगा रही है, वो उनको बदनाम करने का तरीका है। वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब वो बौखला के कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। उन्होंने एक अपने जीत के लिए बस फ्लाइंग किस दी थी, तो उनके लिए नहीं, जो गलत आरोप और जैसे लगा रहे हैं। किस सांसदों ने उनके खिलाफ जो है अध्यक्ष को जो है पत्र लिख के शिकायत दर्ज कराई है? वो उनकी सब चाल है भैया, सारा उन्होंने सब कुछ कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं। मानते हैं बदनाम करने का तरीका है और कुछ नहीं। मानते बदनाम किया जा रहा है राहुल गांधी? बिल्कुल किया जा रहा है बदनाम, क्योंकि 21 पत्र जो आप बोल रहे हैं लिखा है उसमें, उनको पता ही नहीं है कि पत्र मेरा भी लिखा गया है। मतलब उनको पता ही नहीं कि मेरे नाम से भी दिया गया है, उनको खबर ही नहीं है कि मेरे नाम से मैंने शिकायत दर्ज की है। की नहीं उन्होंने, ये बदनाम करना हुआ और नहीं तो क्या हुआ? क्या लग रहा है 24 में बदलाव इस बार देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हम भी बदलाव के लिए उम्मीद लगा के बैठे हैं। भारतवर्ष की जनता भी पूरा उम्मीद लगा के बैठी है कि बदलाव आना चाहिए और वो राहुल जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल चाहते हैं। बदलाव होगा इस बार? होगा, जरूर होगा। कांग्रेस पार्टी लाएगी इस बार। राहुल गांधी जी और कौन? राहुल गांधी के तो पप्पू बोलते हैं वो। नहीं नहीं जी, बोलने से क्या है? ये है कि वो कह रहे कि अगर पप्पू बोलते हैं तो मैं सिर्फ मोदी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, बिलियंस एंड ट्रिलियंस उन्होंने खर्च किए हैं राहुल जी को सिर्फ पप्पू घोषित करने के लिए, तो उनसे इतना डरते क्यों हैं? कौन डरता है? मोदी जी राहुल जी से डरते हैं। राहुल जी बिल्कुल, मोदी जी चैलेंज पे आ जाएं, एक तरफ राहुल जी बोले और एक तरफ मोदी जी बिना पॉलीटेंशन के बोले, तो देखते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर, मैं भी मोदी जी की तरह गड़बड़ा गई हूँ, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोले तो फिर धरातल में आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी। शेर कहा जाता है उनको? कागज के भी शेर होते हैं। किसको? कागज के? मोदी जी, मोदी जी की बात कर रहे। कागज के भी शेर होते हैं। हाँ जी कागज के हैं। लेकिन वो तो कह रहे देश को आगे पहुंचा दिया विकास के उस पर। जब राहुल जी जो अच्छी बात बोलते हैं उसको तो छुपा दिया जाता है और उनमें कमियां ढूंढी जाती हैं, हर कि कैसे उनको बदनाम करें या कैसे बेवकूफ बनाएं, ये सब उनकी चाल है। चाहे महंगाई पे कह लो, चाहे मणिपुर पे कह लो, चाहे आप किसी भी चीज़ पे कह लो, तब वो सिर्फ आते हैं अपने मन की बात कहते हैं। मन की बातें लोग मुझे गालियां दे रहे हैं बस, ये और कुछ नहीं, और मन की बात औरों की नहीं पूछते सिर्फ। अच्छा, आपको क्या लगता है महिला सुरक्षित है मोदी सरकार में? बिल्कुल भी नहीं है। आपको अभी अभी ताजा मणिपुर का किस्सा नजर नहीं आया कि पूरे देश को नजर आ रहा है? तो मणिपुर में जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मणिपुर में राहुल जी गए थे, उन्होंने आग फैला दी।
मणिपुर में राहुल जी उन लोगों के लिए मरहम बन के गए हैं, उन्होंने उनकी दुख को देखा, वहाँ पर उनके दर्द को बांटा है। सिर्फ वो तो 36 सेकंड सिर्फ बोल सके और 36 सेकंड में बाकी टाइम उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है, अपनी राजनीति के ऊपर बोला है। उनका मुंह नहीं खुल रहा, उनके मुंह में दही जमा हुआ है, बिल्कुल भी मणिपुर के ऊपर वो बोलने के लिए तैयार नहीं। मणिपुर का माँ उनके मुँह से नहीं निकल रहा है। मणिपुर नहीं है, नहीं है। कितने कितने किस्से चल रहे, दिल्ली में चल रहे, मणिपुर में चल रहे, पूरे हिंदुस्तान में चल रहे, केरला में चल रहे, क्यों चल रहे? तो फिर मोदी सरकार ने बहुत कुछ करना चाहिए, महिला सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। क्या लग रहा है, आप यहाँ सब महिलाएं जुड़ी हैं, जब से 2014 के बाद से सरकार आई है भाजपा की, तो आपको लगता है कि भाजपा की सरकार में महिला सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को? भाई ये क्वेश्चन तो, ये जो प्रश्न है, ये अपने आप में ही बेईमानी है। अगर महिलाएं भाजपा सरकार में अपने को सुरक्षित महसूस करती तो जितने हादसे ये हो रहे हैं, मर्डर और रेप केस हो रहे हैं, ताज़ा घटना मणिपुर में है, इसी तरीके से हर उसमें है, स्टेट में हो रही है। मैं खुद उत्तराखंड से आ रही हूँ, उत्तराखंड जो देवभूमि कहा जाती थी, आजकल वहाँ पे रेप और मर्डर, मर्डर एंड रेप दो चीज़ें अलग अलग हैं। रेप करके मर्डर करना और मर्डर करके रेप करना, तो सोचिए कितनी बुरी हालत होगी महिलाओं की, और वो आपकी लाशें डाल दी जाती है। जिम्मेदार बिल्कुल भाजपा सरकार है, जहाँ जहाँ धामी सरकार, हमारे यहाँ धामी सरकार है, प्रदेश में जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वो जिम्मेदार है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, वो तो कितने, अगर आप उसको बोलते कि राजस्थान में जो हुआ, कर्नाटक, एक आध किस्से हर सरकार में हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसको देखेंगे, तुलनात्मक उसमें देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो जहाँ पर ज्यादा वो हो रही है, एक आध तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए सरकारें रोकथाम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा, मध्य प्रदेश में अभी उनकी सरकार है, लेकिन फिर भी नौ नौ साल की लड़कियां, तीन तीन साल के बच्चे, बालिका को उनको नहीं छोड़ा जा रहा वहाँ पर, किस तरह के उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। बदला होगा बिल्कुल 101% होगा, और सरकार 150 से भी ज्यादा जो है सीटें हमारी आएंगी, और बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसीलिए सरकार जो है विपरीत तरह से बौखला गई है। आज का जो अधिवेशन रखा गया, इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? हमें पूरी उम्मीद है बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, भाजपा सरकार इससे बौखला जाएगी। वैसे भी हम जब कुछ काम करते हैं तो भाजपा सरकार बौखला जाती है, उनकी जो महिला नेत्रियां हैं वो जब मुद्दे होते हैं तो नहीं बोलती हैं, लेकिन हमारे अगेंस्ट मुंह खोल के वो धरातल पे आ जाती हैं, धरने प्रदर्शन पे आ जाती हैं। इस तरीके से लगातार जो मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी पर FIR दर्ज हो रही है, उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो कमीशन खोर है। देखिए जो मुंह खोलेगा उसके अगेंस्ट तो ED बैठा दी जाएगी, FIR होगी, उनको जेलों में बिठा दिया जाएगा, तो डेमोक्रेसी रह कहाँ गई है? आप भी अभी कितना उनको कवर करते हैं, कैसे करते हैं, या आप लोगों को, मीडिया को भी मालूम है, मीडिया मुंह नहीं खोलता है, सॉरी टू से, लेकिन बोलना चाहिए, जो बोलेगा, जो मुंह खोलेगा उसके अगेंस्ट ED लग जाएगी, जेल में चले जाएंगे। मीडिया एक साइड फेवर में है मोदी जी के, और मोदी जी जब जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, बस जब हम BJP के कार्य, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से डरते हैं तो तभी वो पुलिस को आगे करते हैं, चाहे उसमें हम महिलाएं हुई, हमने जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया, BJP की ऑफिस के आगे किया, तब उन्होंने पुलिस को ही आगे किया। मध्य प्रदेश में क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव? मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह से जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो कांग्रेस के जो है सभी नेता पूरी तैयारी में है, इस बार कमलनाथ जी की जो सरकार हमारी बन रही है।